नमस्कार, बहस के नंबर वन शो ताल ठोके के स्पेशल एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। पश्चिम बंगाल में आज एक और बीजेपी कार्यकर्ता की संदिग्ध मौत हो गई। पुरुलिया के बलरामपुर में 32 साल के दुलाल महतो का शव बिजली के तार से लटका हुआ मिला। दुलाल कई दिनों से लापता थे। शुक्रवार को बीजेपी नेता कैलाश विजय वर्गीय ने दुलाल के किडनैपिंग की सूचना बंगाल पुलिस को दी थी। ममता सरकार ने दुलाल की मौत की जांच की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंप दी, लेकिन बीजेपी का सीधा सीधा आरोप यह है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने त्रिलोचन की तरह ही दुलाल को भी मार डाला। वहीं टीएमसी इन आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है, लेकिन ममता बनर्जी दोनों मौतों पर अब तक चुप है। इसलिए ताल ठोक के हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि दीदी के राज में बंगाल में क्या लौटा है लाल आतंक? 3 दिन में 2 हत्या, फिर भी चुप क्यों है ममता? ममता के राज में लोकतंत्र को फांसी आखिरकार कब तक? बंगाल को खून से लाल करके क्या लाल किला पहुंचेंगे ममता बनर्जी? ममता के राज में प्रजातंत्र शर्मिंदा है। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में बहस की शुरुआत करें, उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। They have done it in Kerala, they did it in Tripura, they have done it in Karnataka, now they are doing it in West Bengal. Condemn these brutal political murders. TMC के लोगों ने उसकी हत्या की है। ममता जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी, जो कि वहाँ पर हत्या करने के लिए उनके गुंडों को उकसा रहे हैं, उन्होंने 4 दिन पहले ही बयान दिया कि हम पुरलिया को विपक्ष विहीन करेंगे, विपक्ष शून्य करेंगे, और उसके बाद से ही हत्याओं का दौर चालू हो गया। ये दूसरी हत्या है। व्हाट तृणमूल कांग्रेस इज डूइंग अंडर द क्वाइट लीडरशिप एंड डिक्टेट फ्रॉम ममता बनर्जी इज नथिंग न्यू। इट इज द नेक्सस बिटवीन द पुलिस एंड द टीएमसी। इट इज द पुलिस हु इज सपोर्टिंग द वायलेंस, अनलिशिंग वायलेंस वेयर इट इज रिक्वायर्ड। जघन्य घटना तो है, अगर किसी को मारकर पेड़ पे लटकाया गया है, हिंसा है, जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ममता बनर्जी का संदेश उन दलितों के लिए है जो भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को स्वीकार कर रहे हैं कि वे अपने मन से अब किसी विचारधारा को चुन नहीं सकते। सेटल हैंगिंग में जैसा जो जो सिम्टम्स देखा जाता है, हर सिम्टम्स इसमें है। बाकी हम लोग डेड बॉडी को पीएम के लिए भेजे हैं, पीएम आने के बाद ही पता चलेगा एक्चुअल घटना क्या है। तो आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं, और आज की चर्चा में जो मेहमान मेरे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ प्रेम शुक्ला इस वक्त जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राजनीति में आने से पहले पत्रकार रहे हैं। हमारे साथ अभय दुबे जी इस चर्चा में शामिल होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। जयदीप मुखर्जी हमारे साथ हैं, टीएमसी समर्थक हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं, वो भी इस चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं आज। और नईम अब्बास बीएसपी के नेता, नई दिल्ली के कृष्णनगर विधानसभा सीट से 2013 में चुनाव लड़ चुके हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आमिर हैदर जैदी सीपीआई के नेता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकारी सदस्य हैं, वो भी इस चर्चा में आज हमारे साथ शामिल हैं। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोशल वर्क विषय में एमए हैं, इकोलॉजी में उन्होंने पीजी डिप्लोमा किया हुआ है। मृत्युंजय तिवारी आरजेडी के प्रवक्ता भी इस चर्चा में हमारे साथ आज शरीक हो रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। जयदीप जी, पहले त्रिलोचन की चिता की राख बुझी भी नहीं थी कि अब दुलाल महतो तार से लटका हुआ ये शव मिला है, कितनी हत्याएं होंगी बंगाल में? दुलाल महतो का जो डेथ हुआ, जो इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास आया और आपका मीडिया पे के पास आया, हम लोग का डिटेल्स अभी तक इसका मालूम नहीं है कैसे हुआ और क्या है। बात ये बात सही है, इसका साथ कोई पॉलिटिकल रिलेशंस नहीं है, इसका साथ तृणमूल कांग्रेस का एगेंस्ट में कोई आरोपी देने के लिए कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस मैटर। कल जो डिबेट जब स्टार्ट हुआ था, हम लोग कंडेम किया था दुलाल महतो का जो मर्डर हुआ था। दुलाल महतो इट इज ए विलेज पॉलिटिक्स में
जयदीप जी, त्रिलोचन की टी शर्ट पर क्या लिखा हुआ था? ये पॉलिटिकल, त्रिलोचन की टी शर्ट पर क्या लिखा हुआ था? त्रिलोचन बीजेपी के साथ काम करता है तो यही हाल होगा, ये लिखा हुआ था उस पर। और आप कहते हैं कि कोई राजनीतिक कनेक्शन नहीं है। टीएमसी को मैलाइन करने के लिए एक काम कुछ बदमाश लोग ने किया। इसके साथ हम लोग तो टोटली बोला, जो एफआईआर जो हुआ, पुलिस अभी तक इंक्वायरी करने के लिए इंक्वायरी स्टार्ट कर दिया, इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट हो गया। जो एक्यूज्ड है, मैं आपका पास एक गारंटी देना चाहता हूँ, आपका मीडिया के अंदर में कोई एक्यूज्ड जो है, जो पॉलिटिकल पार्टी का है, उसको रिहाई नहीं मिलेगा। उसका एगेंस्ट में याचिका भी दायर होगा और उसका एगेंस्ट में कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है। जयदीप जी, हुआ क्या है मुझे ये बता दीजिए आप। प्रेम शुक्ला जी हमारे साथ हैं। प्रेम शुक्ला जी और मैडम और दुलाल महतो का, क्या बंगाल में जो टीएमसी विरोधी हैं उन्हें जीने का हक नहीं है क्या? प्रेम शुक्ला जी इन्हें बताइए जरा। देखिए, अभी तक निश्चित तौर पर जो इस तरह का जिस तरह का मामला सामने आया है, वहां पंचायत चुनावों के दौरान और अब तक 52 कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हुई है। 52 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की, उसमें 19 जो है वो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। चूंकि आजकल जातियां देखकर जो है हत्याओं का वर्गीकरण करने का एक फैशन चला है। अल्पसंख्यक समुदाय के 22 लोगों की हत्या की गई है, शेष राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या हुई। और ये राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की पूर्व पीठिका ऐसी है कि उसमें अभिषेक बनर्जी, जो ममता बनर्जी के उत्तराधिकारी हैं, वो कहते हैं कि मैं बंगाल से विरोधी राजनीतिज्ञों को शून्य कर दूंगा। वो ऐलान करते हैं, हत्या का सत्र शुरू होता है और माकपा के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे जा रहे हैं। लेकिन माकपा और कांग्रेस जिस तरह की चुप्पी साधे हुए है, वो भी ऐसा लगता है कि आप जो है राजनीतिक हत्याओं को पश्चिम बंगाल में आप उस पर चुप्पी साध कर लोकतंत्र की हत्या और हत्या तंत्र का होड़ अबे दुविजय हमारे साथ हैं, आपने वो जवाब देंगे इसका। आप कल्पना कीजिए जी, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है पश्चिम बंगाल में, तो क्या अनुच्छेद कांग्रेस ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? प्रेम शुक्ला जी जवाब ले रही हूँ मैं, मांग होगी कि नहीं होगी? अबे दुबे जी, मीमांसा जी, रक्त रंजित राजनीति का प्रजातंत्र में कोई स्थान नहीं है। वो वेस्ट बंगाल में हत्या हो, अरे अभी पिछले माह 11 और 18 मार्च को झारखंड में भारतीय जनता युवा मोर्चे के और भारतीय जनता पार्टी के ट्रेजरर की गोली मारकर हत्या कर दी। पश्चिम बंगाल की तो बात कर लीजिए। मध्य प्रदेश में एक कांग्रेस के एमएलए की एक मिनट मीमांसा जी, कांग्रेस मध्य प्रदेश में कांग्रेस के एक दलित एमएलए की हत्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की है। भारतीय जनता पार्टी के नेता एमएलए और उनके परिवारों ने यूथ कांग्रेस के दो नेताओं का गला काट दिया। आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगी। राजस्थान में कांग्रेस, मध्य प्रदेश, राजस्थान सब दिखाई देंगे अभी दुबे जी, लेकिन पश्चिम बंगाल आपको दिखाई नहीं देगा, वहां आप अपनी आंखें बंद कर लेंगे। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूं, आप ये जो 52 हत्याओं का जिक्र कर रहे हैं, ये 52 हत्याओं का जिक्र वेस्ट बंगाल में कर रहे हैं, जानती हैं आप क्या सच्चाई है उसके पीछे? भारतीय जनता पार्टी वो एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने अपने घोषणा पत्र में बांग्लादेश का हिंसात्मक चित्र लगा करके हिंसा का तांडव फैलाने की कोशिश की। इनके प्रदेश अध्यक्ष खुलेआम हथियार लेकर जुलूस निकालते, मुझे अभी दुबे ये बता दीजिए, त्रिलोचन का दुलाल का क्या कसूर था? मुझे ये बता दीजिए, लटका दिया गया, लटका दिया गया, लोकतंत्र का सरेआम ताने बाने को छिन्न सूली पर लटकाया जा रहा है लोकतंत्र को, आप कुछ नहीं कहेंगे उस पर। ने कर दिया पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल स्वामी विवेकानंद की कर्मभूमि है, रविन्द्रनाथ टैगोर की भूमि है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की भूमि है, उसको कलंकित और दूषित भारतीय जनता पार्टी ना करे, ये समझ ले। अरे समूचे देश में आपने क्या किया है ये देश जानता है। हाँ, तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी की दादागिरी आपको नहीं दिखाई देगी, है ना? राजनीतिक कार्यकर्ता ममता दीदी की दादागिरी आपको नहीं दिखाई देगी, आप कुछ नहीं बोलेंगे आज। नृत्य कर रहे हैं, हमने ममता बनर्जी
के सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। चलिए मैं इस डिबेट को बंद करूंगी, लेकिन सबके कमेंट्स पर मैं ले लेती हूँ। एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, आमिर हैदर जदी साहब 2000 पंचायत सदस्यों में से 34 साल में, एक मिनट अभी दो मेरी, दो सेकंड में सभी मेहमानों को शामिल कर दूं डिबेट में, फिर मैं इस डिबेट को ओपन भी कर दूंगी। आमिर हैदर जदी साहब, जो 34 साल में आपने किया, ममता दीदी वही दोहरा रही है, 34 साल में विपक्ष के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से निशाना बनाया गया, वो एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। 34 साल में हमने एक काम किया कि एक भी सांप्रदायिक दंगा बंगाल के अंदर नहीं हुआ। हम कहते हैं राजनीतिक हत्याएं लोकतंत्र के लिए घातक हैं, कलंक हैं, हम उनकी मजम्मत करते हैं, समर्थन नहीं करते। लेकिन RSS से दीक्षा लेकर ममता बनर्जी जब आया करती तो ये उन्हें दुर्गा का अवतार कहा करते थे। तो आज RSS को कम से कम बंगाल की आवाम से माफी मांगनी चाहिए। जब हम ये कहते थे कि ममता बनर्जी नक्सलवादियों के साथ, माओवादियों के साथ मिलकर कम्युनिस्टों की हत्या करती है, तो जब ये बड़े प्रसन्न मुद्रा में हुआ करते थे। आज बंगाल के अंदर दलित और मुसलमान राजनीति के लिए चारा बन गए हैं। वही RSS वहां जाती है, मुसलमान तो वो 800 मुसलमान तो आपको दिखाई दे, राजनीति का चारा बन गए, आपको और नजर नहीं आएंगे। सुन लीजिए, आप मुझे बता, बोल लीजिए थोड़ा सा। रामनवमी के दिन लाखों तलवारें ये बांटते हैं, किस उद्देश्य से बांटी जाती है? क्या रक्त रंजित राजनीति करने के लिए बांटी जाती है? तलवारों से राजनीति होती है तो उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं उठाता है। जहां जब जहां जहां चुनाव आने के लिए होते हैं, जिन प्रदेशों के अंदर वहां राजनीतिक हत्याएं भी बढ़ जाती है, पलायन भी शुरू हो जाता है। आज तो RSS को देश से माफी मांगनी होगी, आज तो RSS को देश से माफी मांगनी होगी कि ममता बनर्जी इनसे दीक्षा लेकर ही आई है बंगाल के अंदर, और वो दुर्गा का अवतार हुआ करती थी। आज क्या हो गया कि ममता के खिलाफ ये खड़े हैं? हम तो कल भी कहते थे ममता को कहना चाहिए नक्सलवादियों से, माओवादियों से मिलकर ये काम करती हैं, तब नहीं मानते थे ये, तब तो पूरा मीडिया कहता था। और आज भी ये कहना चाहिए, भ्रमित प्रचार किया जाता है सांप्रदायिक दंगा, बताइए राजनीतिक कोई उस पर कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? दलितों पर हमले होते हैं तो एकदम से आगे तो खड़ी हो जाती है। दलित और मुसलमान राजनीति के चारा बन गए, शिकार बन गए। एक मिनट अभी खाली कर क्या कीजिए और राजनीतिक लोग कैसे की? देखिए भीमसा जी, कोई इस चीज के लिए दो मिनट प्रेम शुक्ला जी, दो सेकंड कर रहा ममता बनर्जी का, और ये गलत है, नाजायज है इस तरीके की जो हत्याएं हो रही हैं। लेकिन आप एक बात बताइए कि जिस तरीके से दो हत्याओं के बता रहे हैं, और अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने 52 गिनवा दी हैं, ये कहाँ की चीज़ है कि दो हत्याएं हुई हैं और 52 गिनवा दी गई हैं? दूसरी चीज़ मैं बता देता हूँ कि ममता बनर्जी का कहाँ पे ऐसा इन्वॉल्वमेंट है इस जगह पे, जो उन्होंने CBI और CBI को भी केस ट्रांसफर करने की बात कही है, अगर वो किसी जगह उसका समर्थन करती नजर आ रही है तो वो गलत है, नाजायज है, वो नहीं होना चाहिए। ममता चुप है, वो कुछ नहीं बोल रही है। तीन दिन में दो हत्याएं हो जाती हैं, कानून व्यवस्था की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, मुझे ये बताइए। CDI को, CBI को जो केस रेफर कर रही है, किसकी जिम्मेदारी है? राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? बिल्कुल जिम्मेदारी बनती है, ये सब जगह सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जब जब उत्तर प्रदेश में कोई मर्डर होता है तुरंत आप बोल देते हैं कि कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी उनकी बनती है, यहाँ आप क्यों नहीं बोलने के लिए तैयार हैं? मैं तो बोल रहा हूँ मीमसा जी, मैंने कहा है कि जिम्मेदारी उनकी बनती है, लेकिन सभी राज्यों में सब मुख्यमंत्रियों की जिम्मेदारी बनती है। अभी भी आप ये देख रहे हैं कि एक सांप्रदायिक दंगा फैलाने के लिए कह रहा है कि जो चुनाव जीती है तब उसको मतलब उनके लिए एक आलोचना सिर्फ बोलने के लिए नहीं चाहिए हमें। हिमसा जी देखिए, आप बात सुनिए, लोकतांत्रिक मूल्यों का किस तरह से ध्वस्त किया जा रहा है पश्चिम बंगाल में, उस पर आपकी जो तमाम विपक्षी पार्टियां हैं वो मौन क्यों हैं, चुप क्यों हैं? सवाल सीधा सीधा है। हिमसा जी कोई बिल्कुल चुप नहीं है, सब बैठे हैं और इसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है, ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, हम इसकी घोर निंदा कर रहे हैं। ये आपके स्टैंडर्ड जो है ना, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जाते हैं जब इस तरह के मामले सामने आते हैं, चाहे वो BSP हो, चाहे आपका नहीं हो रहा, हम लोग इसकी घोर निंदा कर रहे हैं और उसकी जांच होनी चाहिए, और जो उसके दोषी हैं उनको सजा मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी हो उस बीच में। ऐसा भी हो सकता है, आप मुझे एक बात बताओ, कोई किसी का मर्डर करता है और नाम मेरा लेके जाएगा वहां पर, क्या ये जायज होगा कि मैंने मर्डर कर दिया है? ये तो दिखावा हो गया कि या तो ममता जी के अगेंस्ट ये बात रखी जा रही है,
कि ममता जी का नाम रेफर करा के आप देखिए, ये भी तो होता है, बहुत सारे केस सुनते हैं ऐसे केसों में, ये होता है कि नाम किसी का हो गया, काम किसी और ने कर दिया, गांव तेरा नाम मेरा, ये जरूर ज्यादा होता है। जब दलितों के घर जलाए जाते हैं तो आप नीतीश सरकार को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो ठीक तरह से नहीं देखी जा रही। अब आप कुछ बोलेंगे ममता राज में क्या क्या हो रहा है, देख रहे हैं आप? देखिए ममता जी के राज में सब चीज ठीक है, ये जो आप दिखा रहे हैं सब ठीक चल रहा है, कुछ गड़बड़ नहीं है, एकदम ठीक चल रहा है। देखिए देखिए भारतीय जनता पार्टी हर जगह जहां जहां वहां विपक्ष है उन सरकार को बदनाम करने का प्रयास कर रही है। ममता दीदी के राजनीति में कहीं भी हिंसा का कोई स्थान नहीं, इस बात को लेकर जितने प्रवक्ता पार्टी के प्रतिनिधि बैठे हैं सब ये बात कह रहे हैं। जब राजनीति में हिंसा का मृत्युंजय जी नहीं है, लोकतंत्र खतरे में है, खतरे में है, आप हमेशा चिल्लाते रहते हैं। लोकतंत्र जब वाकई खतरे में आता है जो दिखाई दे रहा है पश्चिम बंगाल में, तो आप कहते हैं सब ठीक है, बहुत बढ़िया चल रहा है। हमको पूरी बात कहने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जिस तरह से उकसावे की राजनीति करते हैं, उन्माद की राजनीति करते हैं और समाज में घृणा पैदा करते हैं, हाँ, ये उन्माद जो है ये पश्चिम बंगाल में आपको नजर नहीं आएगा, वहाँ जो राजनीतिक हिंसा हो रही है आपको बता दूं मैं, वो डिस्टिंक्शन मिली हुई है पश्चिम बंगाल को राजनीतिक हिंसा में, टॉप पर है वो। पश्चिम बंगाल में बीजेपी दस्तक देना चाह रही है, वो चाह रही है कि इस तरह से समाज में नफरत का माहौल, उन्माद फैला करके हम अपनी राजनीति रोटी सेके। और ममता बनर्जी क्या चाह रही हैं? वो चाह रही हैं कि विपक्ष को बिल्कुल ही वहां से खत्म कर दिया जाए, ये नहीं आप बोलेंगे आज? नहीं, आप क्योंकि वो आपको सूट नहीं करता बोलना। अभी वहां के एसपी ने भी कहा है कि हम जांच करेंगे, पूरा जांच नहीं हुआ। एडीजी से बात की थी मृत्युंजय तिवारी जी, आपको बता दूं मैं आपकी जानकारी अपडेट कर देती हूं, जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी दुलाल महतो को। बीजेपी के लोग जो तलवार बांटने का काम करते हैं, जो उन्माद की राजनीति करते हैं, समाज में नफरत फैलाते हैं, मृत्युंजय कितने डबल स्टैंडर्ड्स हैं आप लोगों के, इतनी हिपोक्रेसी, ऐसे दलों को जिस पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है, वो अपना लोगों की हत्या कर शव लटकाए जा रहे हैं पेड़ों पर, खंभों पर, उस पर आप एक शब्द नहीं बोलेंगे, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता। राजीव रंजन, कोई भी हत्या का वो इनको नजर नहीं आएगा। बीजेपी 260 राजीव रंजन पर उनकी जमानतें जब्त हुई उसके बाद मानसा जी एक बात बिल्कुल साफ है। अबे दो विजय दो सेकंड रुक जाइए जरा। जब रायटर्स बिल्डिंग से वेस्ट बंगाल में रायटर्स बिल्डिंग से ममता बनर्जी को लाल आतंक के साथियों ने उन्हें बाजाब्ता बाहर निकालने का काम किया था, वहां मोर्चा की सरकार थी, ज्योति बसु मुख्यमंत्री। आप लाल आतंक किसे कह रहे हैं? आप जैसा आतंकवादी होगा जहां पे 2 लाख तलवारें आप भरते हो बिहार के अंदर, आज ममता बनर्जी आप जैसा कोई आतंकवादी देश के अंदर होगा शर्मिंदा कर रही है। लाल आतंक से कई कदम आगे बढ़े बिहार के अंदर, घर चला जिस तरीके से आप उपदेश दे रहे हैं मीडिया में, ये तस्वीरें देख लीजिए आप राघोपुर की, और राघोपुर की तस्वीरें देख लीजिए, दलितों के घर चलाए जा रहे हैं वहां पर, बनकर के उभरी एक संप्रदाय की वजह से, ये तस्वीरें देख लीजिए आप। और निश्चित तौर पर वाम मोर्चा के लिए ये शर्मिंदगी का मौका होना चाहिए। आप उनके लोग भी मारे गए पंचायत, अरे ममता बनर्जी हत्या कर रही है, लोग भी मारे गए ममता बनर्जी की हत्या शुरू की, लेकिन ये सब लोग दुर्गा की वजह से तुम्हारे लिए अपने कार्यकर्ताओं की मौत के बाद भी मौन है, जो इन्हें माफी मांगनी चाहिए अपने कार्यकर्ताओं, आज वो हत्या करते हैं, उनकी मौत पर ये सियासत कर रहे हैं, आज ये केवल सवाल भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये हिंसा की जो शुरुआत है अमीर हैदर जैदी साहब, ये आप ही की देन है, ये आप ही की देन है पश्चिम बंगाल में, केरला में देख लीजिए आप, मजबूती मुझे बताइए। मैं आपको बताती हूँ आंकड़े, 1977 से लेकर 2011 तक 55,000 लोगों की मौत हुई है, हत्या हुई है, ये आंकड़े जरा देख लीजिए आप ध्यान से, साल में 55,000 लोगों की हत्या हो गई जी, उत्तर प्रदेश में 37 साल में कितनी हत्या हुई, पंजाब कितनी हत्याएं हुई,
मध्य प्रदेश में कितनी हत्याएं हुई, कर्नाटक में कितनी हत्याएं हुई, हत्याएं कम्युनिस्टों ने कर दी और आज कम्युनिस्ट पार्टी वहां से पलायन कर चुकी है। जो वहां के जो कार्यकर्ता है वो शरण दूसरों के घरों में ले रहे हैं। कम्युनिस्ट पार्टी हत्या कर रहे थे। अगर कम्युनिस्ट पार्टी ऐसी होती तो ममता बनर्जी किसी नाले के किनारे पड़ी होती। हम ये काम नहीं करते। हम ना राजनीतिक हत्याओं का समर्थन करते हैं ना राजनीतिक हत्याओं का समर्थन। ये काम आरएसएस करती है और आरएसएस अध्यक्ष ममता बनर्जी आई थी। कम्युनिस्ट पार्टी आप इन आंकड़ों को बदल नहीं सकते हैं। इन आंकड़ों को आप बदल नहीं सकते हैं। पहले भी अपने आतंक और अपनी अरे आतंकवादी आप है, विकास को रोका है। आज आपने दलितों के जो घर जलाए बिहार के अंदर उसका जिम्मेदार कौन है? जो आपने रामनवमी के दिन लाखों तलवारें बांटी आरएसएस के साथ मिलकर, उसका जिम्मेदार कौन है? आपको कौन सा संविधान ने अधिकार दिया है तलवारें बांटने का? जिनकी गिरफ्तारी हुई है अमीर हदरजादी साहब यादव जाति के हैं वो आप ये जानते हैं क्या? आप गिरफ्तारी में भी जाति देखेंगे, महीने में भी जाति देखेंगे, आरोप ये गिरफ्तारी में भी जाति देखेंगे। आरोप क्या है आप नहीं जानते हैं क्या? ये मुझे बताना पड़ेगा। कमाल की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ आरएसएस समर्थित सरकारें नहीं है, जहाँ पे नहीं है वहाँ से पलायन भी होता है, हत्याएं भी होती है। ये बंगाल के अंदर तो खास करके दलितों को और मुसलमानों को चारा बना लिया इन्होंने। आप मुझे बताएं आरएसएस उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को टिकट क्यों नहीं देती? बंगाल के अंदर 800 टिकट देती है। आमिर हदरजादी एक मिनट, दो जातियां ऐसी हो राजनीति का शिकार। दो सेकंड अबे दुबे जी, आपकी लाचारी और बेशर्मी बेनकाब है। आप बेशर्म है, आप कैदी में बैठे शासन लगाते, किससे मांग कर रहे हैं? हम मांग करते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाओ। बंगाल के अंदर पूरे तबके मौजूद है राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए। दो सेकंड वहां नहीं जाएंगे। आप यहाँ बैठ के राजनीति करोगे, वहाँ दलितों को और मुसलमानों का कत्लेआम कराओगे और फिर उस पर राजनीति करोगे। शुक्ला जी दो सेकंड नहीं पड़ रही है, आपके कार्यकर्ता मारे गए, आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है। मेरी हिम्मत पड़ रही है, कह रहा हूँ राष्ट्रपति शासन लगाओ और क्या होगी। आमिर हदरजादी प्रेम शुक्ला जी दो सेकंड रुक जाइए। अबे दुबे जी समर्थन में हर जगह खड़े होते हैं, ये कैंडल मार्चेस क्यों नहीं नजर आती हैं जब पश्चिम बंगाल में इतना कुछ हो रहा है? मुझे ये बता दीजिए जरा, एक ट्वीट नहीं आता, राहुल गांधी बिल्कुल चुप हो जाते हैं, आप सब चुप्पी साध लेते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? सिर्फ सियासी फायदा आप लोगों को नजर आ रहा है ना, क्योंकि चाहिए आपको ममता का साथ। बोल दीजिए साफ साफ आज। मुझको आश्चर्य ये होता है जब किसान फसलों के दाम मांगे और 6 किसान को पास में से 17 साल के बच्चे को सीने में गोली मार देती भारतीय जनता। जो मैंने सवाल आपसे पूछा उसका जवाब आप नहीं देंगे। जब आप पाटीदार समाज के युवाओं के सीने में गोली मार देते हो तब बात नहीं करते हो, क्या कर रहे हो वेस्ट बंगाल में? सुनवा वेस्ट बंगाल में 5 गुना दंगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि आपकी 263 सीटों पर जमानत जब्त हुई थी, आप चाहते हिंसा की संस्कृति विकसित हो चुकी है लेकिन वो आपको नजर नहीं आएगा। हिंसात्मक गतिविधियों में वहाँ हिस्सा नहीं, कौन कर रहा है, किसके राज में हो रहा है, किसके राज में हो रहा है? देश का चित्र लगाकर हिंसा फैलाने की कोशिश की। और कांग्रेस के प्रवक्ता ममता बनर्जी का चरण चाटन कर रहे हैं। हाँ है, हम वहाँ विरोध दर्ज करा रहे हैं। कांग्रेस दर्ज करा रहे हैं, आप तो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। सरकार से कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है, आप कानून व्यवस्था का पालन कराइए, मगर इसका अर्थ ये नहीं कि आप मुखौटा लगा करके किसी चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करने की कोशिश करें। अच्छा अबे दुबे जी दो सेकंड जॉयदीप से मैं अभी तक एक सवाल नहीं पूछ पाई हूँ। एक मिनट जॉयदीप मुखर्जी, मुझे ये बताइए चुप्पी क्यों साधी हुई है ममता बनर्जी ने? 3 दिन में 2 हत्याएं हो गई हैं, एक के बाद एक, ये जो सीरियल किलिंग हो रही है ये इसी तरह से पश्चिम बंगाल को खून से रंगकर क्या लाल किले का सफर तय किया जाएगा?
ये आपका ओपिनियन है जो बंगाल में लाल का वो है, लेकिन बंगाल इज ए मोस्ट पीसफुल स्टेट, लास्ट टाइम भी मैं पीसफुल और मेरा जो विश्वास है पीसफुल। जयदीप मुखर्जी, हाउ डू यू डिफाइन पीसफुल? पीसफुल स्टेट है पीसफुल। पंचायत चुनाव में बैलेट बॉक्सेस कैसे जला दिए गए, कितने लोगों की हत्या कर दी गई और आप इसे पीसफुल कहते हैं? बंगाल बंगाली को आप बंगाल आदमी को आप डोंट अंडर एस्टिमेट बंगाली पीपल। पीसफुल शब्द का मजाक उड़ा रहे हैं आप ये कहकर। बंगाली को बंगाली सेंटीमेंट को आप मत अंडरएस्टिमेट कीजिए। सेंटीमेंट एक्सेप्शनल इंसिडेंट हुआ इसका बंगाली मारा जा रहा है। आप ऑफकोर्स ममता बनर्जी की वो ममता सेंटीमेंट क्यों नहीं नजर आता है जब ये हत्याएं होती हैं? यही तो सवाल कर रहे हैं आज। ममता बनर्जी 2011 में डेमोक्रेटिक सिस्टम को रेस्टोर किया, 2016 में भी अगर जो पैनल में है जो कम्युनिस्ट लोग ने 55,000 पीपल्स को खत्म किया। आपका कंपटीशन हो रहा है क्या वाम दलों के साथ? कम्युनिस्ट वाला कंपटीशन कर रहे हैं क्या वाम दलों के साथ? कम्युनिस्ट वाला क्या बड़ा बड़ा बात आप क्या कंपटीशन कर रहे हैं उनके साथ? कंपटीशन नहीं है हम लोग का, 2011 का पर्सन विरोधियों को रहने नहीं देंगे आप। यही है ना आपकी 300 जो आपकी आइडियोलॉजी से मैच नहीं करता है उसको आप साफ कर देंगे। ये है आपका सेंटीमेंट। ममता बनर्जी सब ऑपोजिशन को रेस्पेक्ट करता है। All oppositions are getting respect in the जयदीप जी जिन शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ना आज मजाक बना दिया है आपने। ऑपोजिशन मजाक आप लोग मिस प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ममता बनर्जी का गवर्नमेंट को। प्रोपेगेंडा हम कर रहे हैं? आप लोग तो एक कोशिश कर रहे हैं यानी कि हत्याएं नहीं हो रही हैं, ये हम बना रहे हैं खबर, यही कह रहे हैं आप? बात करो तो प्रोपेगेंडा है। नहीं नहीं सुनिए नहीं जी, जो हत्यारों के खिलाफ बोला प्रोपेगेंडा नहीं होता है, जो डेथ हुआ न्याय की मांग होती है। नहीं आप देख रहे हैं कुछ बोलेंगे नहीं, इसका साथ तृणमूल कांग्रेस का कोई रिलेशंस नहीं है। सब चुप हो जाते हैं जब बात आती है ममता दीदी की तो सब चुप हो जाएंगे क्योंकि ममता दीदी की जरूरत है। प्रकाश डालना चाहिए कम से कम। मीमसा जी आप वेस्ट बंगाल में ममता सरकार ने तो आप एक बात बताइए अभी दूध का दूध पानी का पानी हुआ कहां? सीबीआई जांच निकल के किसका नाम सामने आ गया? आप किसने कराया है? आप एक बात बताइए कौन इस तरीके की चीजों का समर्थन? दो सेकंड एक एक करके प्लीज, एक एक करके प्लीज। जयदेव मुखर्जी मैंने आपको बहुत वक्त दे दिया, दूसरे की भी बात सुनिए। मीमसा जी आप मुझे बताइए किसने समर्थन दे दिया या किसने समर्थन ले लिया या कौन बोल रहा है इस चीज के लिए या कौन सी इन्वेस्टिगेशन हो करके किसका नाम आ गया? सारे उपस्थित हो रहे हैं ना, दिखाई दे रहा है आपको सिर्फ 2019 नजर आ रहा है, आपको सियासी फायदा नजर आ रहा है। कोई ऐसी सियासी फायदा ना किसी को नजर आ रहा ना अभी कुछ होने जा रहा है, अभी बहुत वक्त पड़ा है। लेकिन अगर किसी ने किसी का मर्डर किया है मीमसा जी आप इल्जाम मत लगाइए किसी पे, इल्जाम मत लगाइए। लोकतंत्र खतरे में ये कोई लोग आप सब चिल्लाते रहते हैं, इल्जाम मत लगाइए। आप मुझे बता दीजिए अगर किसी का नाम आके इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हुआ हो कि ये मर्डर ममता बनर्जी ने कराया और हम उसका समर्थन कर रहे हैं तो आप हमें बताइए। लिखा हुआ है उसके लिखा हुआ तो लिखा कोई और भी कर सकता है ना मैडम, आपका नाम भी कोई दे सकता है। तो आपने मर्डर कर दिया, आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप लिखे हुए को सच मान सकती हैं क्या? आप बताइए ना मुझे बताइए, अगर कोई मेरा नाम लेके वहां डाल जाता तो आप मेरा नाम मर्डर में ले देते? ये गलत बात है, पहले आप इन्वेस्टिगेशन हो जाने दीजिए। मुझे एक बात बता दीजिए, आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप बिहार में राघोपुर में सारी तस्वीरें जो हैं हमने बीच में ये देखी, ये दलितों के घर जलाए जा रहे हैं, कोई विरोध प्रदर्शन आपने किया क्या? किसने जलाया आप बताइए ना, कौन जलाने वाले हैं यहाँ पे? सब बीजेपी कराने वाली, आरएसएस कराने वाली है। आपने उनसे पूछा एक बार बीजेपी वालों से ऐसा क्यों हो रहा है? दलितों के घर जले हैं ना, और आप तो दलितों के पैरोकार बनते हैं ना। ऐसा नहीं है, दलितों के पैरोकार बनते हैं ना। सर्व समाज के लोगों के लिए आवाज उठाती है बहुजन समाज पार्टी। आप ये साबित नहीं, आप साबित कर दिए, चलिए अब हम इस तरीके की बातें साबित कर दीजिए। आप अपने हिसाब से आप अपनी पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस करते हैं आप लोग सब। आपको 2019 नजर आ रहा है, कोई 2019 में नजर नहीं आ रहा की जरूरत है। आप वो मुद्दे उठाएंगे जिससे आपको सियासी फायदा हो रहा है। भीमसा जी कहां है 2019? अभी एक साल है 2019 में।
अगर वहां पर ऐसा हुआ होता जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है तो आप तहलका मचा देते, आग हंगामा मचा देते। पूना में जो सारे ट्वीट हुआ, करने में लगे रहते हैं। पूना में जो हादसा हुआ, आप कितने कितनी बार डिबेट हुई है उसमें, दलितों पे कितना अत्याचार हुआ आपने देखा वहां पे? आपने देखा ऊना में क्या कांड हुआ, गाड़ी से बांध कर बच्चों को मारा गया? कितनी बार डिबेट हुई उसमें? कितना मोदी जी ने या योगी जी ने या वहां पे गुजरात के सीएम ने आके बोला? किसी ने नहीं बोला वहां पे आज तक भी। प्रेम शुक्ला आप बताइए सहारनपुर में कितनी बड़ी घटना हो गई है, आज भी सहारनपुर के ऊपर कितने लोग जेल चले गए हैं? प्रेम शुक्ला, अच्छा लगता है प्रेम शुक्ला नहीं है हमारे साथ। आमिर हैदर जैदी जी, मसला ये है मेहमान साहब, विपक्षी एकता नहीं होनी चाहिए, मेन एजेंडा ये बस। आज बिहार के अंदर दलितों के घर जाते हैं उसका जिम्मेदार भी विपक्ष है, जो सत्ता में वहां बैठे हैं वो जिम्मेदार नहीं है, नीतीश कुमार जिम्मेदार नहीं है, बीजेपी जिम्मेदार नहीं है, उसे पकड़ना भी हमारी जिम्मेदारी है, संरक्षण देने की जिम्मेदारी भी हमारी है। सब आज बंगाल के अंदर दलित की हत्या हो जाती है उसका जिम्मेदार भी विपक्ष है, लेकिन आरएसएस से जो दीक्षा लेके ममता बनर्जी जाती थी उसकी जिम्मेदार नहीं है, केंद्र के अंदर बीजेपी बैठी है, राष्ट्रपति शासन की मांग करते हैं वो नहीं लगेगा, लेकिन एजेंडा एक चलाया जाएगा कि ये 2000 विपक्षी एकता हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, ये छिन्न करना ताकि एक दूसरे के खिलाफ बोला जाए। आप पूछना चाहते हैं आज बिहार के अंदर जो दलितों के घर क्या नीतीश कुमार उसके जिम्मेदार नहीं है, और जिम्मेदार है तो क्यों नहीं जिम्मेदारी ले? बिहार के अंदर जो करना चाहिए, रामनवमी के दिन जो लाखों तलवारें बांटी गई थी ये किस किस कानून के तहत बांटी गई थी? बंगाल में जो तलवारें बांटी गई क्यों बांटी गई, या पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो आतंक फैलाने के लिए तलवारें बांटी गई क्यों बांटी? ये बटी इसलिए थी कि हिंदुस्तान की राजनीति को सियासत को भाईचारे को छिन्न भिन्न कर दिया जाए। दुबे मुझे एक बात बताइए, आप तो अदालतों पर संवैधानिक संस्थाओं पर बार बार निशाना साधते हैं ना, आप साधते हैं ना, कटघरे में खड़ा करते हैं ना, अब आप चुप क्यों हैं? ठीक है, हो रहा है आंखें बंद कर लीजिए, सुन लीजिए, किसने कहा, किसने कहा हमने प्रोटेस्ट भी किया, किसी को कहने की जरूरत नहीं है, सब दिखाई दे रहा है, लेकिन हम लोग सुन लीजिए एक मिनट, हाँ तो इसका 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 अर्थ यह हुआ कि हम भाजपा शासित राज्यों में जो हो रहा है उसकी आवाज नहीं उठाएं, जो बिहार के आपको सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई देता है, सवाल तो यही है ना वेदुबे जी, विपक्षियों पर मरना चाहते हैं आप, आपको वो दिखाई नहीं देता है जो पश्चिम बंगाल में होता है, क्योंकि वो जो नैरेटिव है वो आपको सूट नहीं करता, वो आपको सूट नहीं करता है। अपने जनाधार को बढ़ाने का आधार बिहार भाजपा शासित राज्य नहीं है, भारतीय जनता पार्टी तो बिहार में आपके आरएसएस के साथ आप कह रहे हैं ना कि आप तो प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां पर आप मांग नहीं कर रहे कि इस्तीफा दे देना चाहिए ममता बनर्जी को, धर्म और जाति के नाम पर नहीं जा रहे क्या? नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं है क्या? बीजेपी की गठबंधन सरकार बिहार के अंदर नहीं है? अगर है तो बताएं, यदि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता बैठे कह रहे हैं बीजेपी का राष्ट्रीय और किसका राज्य है, किसका राज है बिहार के अंदर? बीजेपी का है ना और आपका है, जैसे आपका है ऐसे ही ममता बनर्जी भी लेकिन वो आज इसकी दीक्षा में थोड़ी विमुख हो गई। अरे मेरा क्या चला जाएगा क्या नहीं चला जाएगा वो एक अलग चीज है, तुम बताओ आज बिहार के अंदर दलितों के घर चलाए गए, आप क्या कर रहे थे? आप मुक्तांचल बन रहे थे क्या? दलितों की हत्या मुसलमानों की हत्या क्या कहाँ हो गई क्या इस देश के अंदर? एक मिनट जॉयदीप मुखर्जी भी हमारे साथ हैं, सत्ता में तुम हो या वो है? अमीर हैदर जैदी एक सेकंड रिलैक्स, जॉयदीप मुखर्जी कब तक चुप रहेंगी ममता बनर्जी? ये राजनीतिक हिंसा जो है ये हम कब तक देखते रहेंगे? इस तरह से पेड़ों पर ये शव लटके हुए हम कब तक देखते रहेंगे पश्चिम बंगाल में? बहुत सीधा सा सवाल है और मुझे सीधा सा जवाब चाहिए इस पर। ममता बनर्जी कभी कोई ये सब काम दुष्ट काम को कभी प्रश्रय नहीं देता,
जब कोई एलिगेशन आता है, खुद उनका पार्टी का कोई मेंबर का एगेंस्ट में आता है, तो ममता बनर्जी डायरेक्ट पुलिस को डायरेक्शन देता है कि उनको अरेस्ट करने के लिए। जॉयदीप मुखर्जी, पुरुलिया में बीजेपी आपको मुख्य द्वंद्वी नजर आ रही है ना? मैडम 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 इसीलिए तिलमिलाई हुई है ना तृणमूल कांग्रेस, हमको बोलने दीजिए, सच्चाई तो यही है। नो नो अदर आप अदरवाइज तले यू बोलिए, आप बोलिए, हमको मत बोलने दीजिए। तो बात जो है, तो प्रशासनिक काम करने के लिए जब कोई एलिगेशन आता है, मुख्यमंत्री का दफ्तर से टोटली इसको ऊपर इंक्वायरी और जांच करने के लिए हाई लेवल ऑफिसर, जांच तो बाद में होगी। एडीजी से बात की थी कैलाश विजयवर्गीय ने और उनको कहा था जान से मारने की धमकी मिल रही है दुलाल को, आप उन्हें बचा लीजिए। आपकी सरकार ने क्या किया, टीएमसी सरकार ने क्या किया, इसका जवाब दे दीजिए आप मुझे। सीआईटी इंक्वायरी कर दिया, आप बोलिए उनकी सिक्योरिटी इंश्योर करना क्या राज्य सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? तपन भट्टाचार्य इशू को डेबिट मत करिए। जॉयदीप मुखर्जी, बहुत सीधा सा सवाल मैंने आपसे पूछा है, तृणमूल कांग्रेस का जिला परिषद का सवाल का जवाब दीजिए। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर से बात की गई थी कि जान से मारने की धमकी मिल रही है दुलाल को, क्या किया राज्य सरकार ने, इसका जवाब दीजिए मुझे। दुलाल की जीजी किया था वो देखने होगा इन्वेस्टिगेशन का टाइम का, जब इन्वेस्टिगेशन तो बाद में होगी। जॉयदीप जी, जो मैं बात कह रही हूँ, आप उसे डेविएट क्यों कर रहे हैं? लोकल पुलिस जान से मारने की धमकी दी गई थी, ये कंप्लेंट गई थी पुलिस के पास, स्टेशन में लोकल तो भी हत्या हो जाती है। दायर किया था कि नहीं किया था आपको पहले देखने होगा। मीमांसा जी, दो होता हुआ कि तीन होता हुआ कि एक होता हुआ वही कोई बात नहीं है, इसका साथ पॉलिटिकल कोई रिलेशन नहीं है। आई एम 100% आई एम गिविंग यू गारंटी। ये जो थ्योरी दी जा रही है ना, मैं आपको बता देती हूँ, आत्महत्या बता रहे हैं एसपी वहाँ के और उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि नहीं, ये आत्महत्या का मामला नहीं है। परिवार वालों का कहना है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं का हाथ है इसके पीछे, सरकार की सरपरस्ती में। जॉयदीप मुखर्जी, जवाब दीजिए इसका। आपका पहले बंगाल का डायग्राम जानने होगा, जो होगा अगर बीजेपी की सरकार, आप पहले आपको डायग्राम जानने होगा जो पुरुलिया में ऐसा करके मर्डर माउस लोग ने बहुत किया। मैं तो पहले जीवित का पहले मैं आपको बोला जी, एक तृणमूल कांग्रेस को मैलाइन करने के लिए, तृणमूल कांग्रेस को ह्यूमिलेट करने के लिए कोई बदमाश लोग ऐसा काम किया, इसको इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और ये कितनी बार 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 बदमाशी वहां करने वाले लोग हो जाते हैं और राज्य सरकार मूक दर्शक बनी रहती है। आप सीबीआई, ये बात हजम होती है क्या जॉयदीप मुखर्जी, जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं आपको? सीआईटी इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया, ये बिल्कुल हजम नहीं होती। बार बार बदमाशी हो रही है, पश्चिम बंगाल में ही होती है। Highest investigation agency is also investigating in this matter. एसपी ने तो पहले ही कह दिया कि आत्महत्या का मामला है, मामले को दबाने की कोशिश तो पहले ही हो गई है, रफा दफा करने की कोशिश होती है हर बार, और वही आप इस बार भी करेंगे। और जब तक आपकी इन्वेस्टिगेशन होगी तब तक एक और हत्या हो चुकी होगी। हत्या का मामला हत्या कौन किया, इसको इसको आप क्यों तृणमूल का कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं? तृणमूल कांग्रेस के ऊपर क्यों आरोप लगा रही है? मैं नहीं लगा रही जॉयदीप मुखर्जी, आरोप मैं नहीं लगा रही, जो फैक्ट्स आ रहे हैं मैं उनको रख रही हूँ। तृणमूल कांग्रेस इज नॉट इन्वॉल्व्ड। एडीजी से बात की गई, एसपी कहते हैं आत्महत्या का मामला है, पहले वाले केस में कह दिया कि आपसी रंजिश का मामला है, ये कहना तो बहुत आसान है ना किसी के लिए। मैडम यू आर डूइंग, उनका क्या कसूर था, हत्या कर दी गई, उनके परिवार वालों के बारे में सोचिए आप, क्यों? क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती आपसे, आपको डर है कि विपक्ष वहां पर खड़ा ना हो जाए, तो पहले ही साफ कर दो। आप ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं, ओपिनियन क्रिएट नहीं कर रहे हैं, जो हो रहा है हकीकत बयां कर रहे हैं। आप इन्वेस्टिगेशन स्टेज में हैं, स्टेज का अंदर में आप मीडिया ट्रायल कर रहे हैं। मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है जॉयदीप, आप मीडिया ट्रायल नहीं हो रहा है अभय दुबे। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कम से कम मिनिमम प्राइमरी फेस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आने दीजिए। देखिए, सारे राजनीतिक दलों को दृढ़ता से एक साथ होकर यह तय करना होगा कि राजनीतिक
प्रतिशोध की आग में रक्त रंजित हिंसा बर्दाश्त नहीं की। बिल्कुल, मैं यही चाह रही थी लेकिन हो नहीं रहा है दुबे। सरकार हो नहीं रहा है दुबे जी, कार्यकर्ताओं की ही हत्या हुई। ये बीच झारखंड की सरकार से भी आपको प्रश्न करना चाहिए, गुजरात की सरकार से भी प्रश्न करना चाहिए। 18-18, 20-20 युवकों के सीने में खड़े करके गोलियां उतार दी। भाजपा की मध्य प्रदेश की सरकार से भी प्रश्न करना चाहिए। 6 किसान जो फसलों के दाम मांग रहे थे, 17 साल के बच्चे को थाने के पास बुलाकर सीने में गोली उतार कर लिख दिया कि तेरा हक समाप्त। अबे दुबे, बहुत बहुत सिंपल सा सवाल मैंने आपसे पूछा था। देखिए वही सवाल है, मेरे को फिर से पूछना पड़ रहा है। एमएलए की हत्या, आपको ये लोकतंत्र जो खतरे में नजर आता है वो सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में आता है। सोनू गोयल की हत्या, आपको ममता राज में जो तालिबानी सोच यहाँ पर दिखाई दे रही है साफ तौर पर, वो क्यों नहीं दिखाई देती? मेरा फिर से वही सवाल है आपसे, लोगों का विश्वास उठ जाएगा। विश्वास तो उठ ही रहा है, लोकतंत्र ये प्रजातंत्र है, लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हमारी बहुत सिंपल सी एक लाइन है जिसको हम फॉलो करते हैं। ये गृह मंत्रालय और इसीलिए सवाल पूछ रहे हैं आज कि कैसे वेस्ट बंगाल में 16 से 85 तक दंगे बढ़ गए सांप्रदायिक हिंसा के, और जैसे जैसे दंगे बढ़ते हैं भारतीय जनता पार्टी का जनाधार। अबे अबे दुबे, जो देखिए दर्शक जो देख रहे हैं ना, वो आपका एक एक वर्ड अगर नोट करेंगे आप, देखिए पश्चिम बंगाल पे बिल्कुल चुप हो जाते हैं। ये बहुत ही सिलेक्टिव है, आपने एक लकीर खींची हुई है, उस लकीर पर आप फिर आ जाते हैं। ये देखिए, अभी हमें ये खबर मिल रही है कि जो पुरुलिया के एसपी हैं उनका तबादला कर दिया गया है, और जो नया पुलिस अधीक्षक वहां पर बनाया गया है उसका नाम भी अब सामने आ रहा है। ये एसपी का तबादला किया गया है पुरुलिया में, ये जो पूरा मामला है उसी से जुड़ा हुआ है जिसकी बात हम कर रहे हैं कि वहां 3 ही दिन में 2 हत्याएं हो गई। आकाश मघारिया को अब वहां पर पुलिस अधीक्षक बनाया गया है, और ये जो मैं आपको बता रही थी कि जो एसपी हैं उनकी ओर से ये कहा गया कि ये जो है आत्महत्या का मामला है। देखिए अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने नहीं आई और एसपी इस नतीजे पर पहुंच गए कि ये आत्महत्या का मामला है। सवाल ये खड़ा होता है कि पहले से ही वो इस कंक्लूजन पर कैसे आ सकते हैं कि ये आत्महत्या का मामला है। पहले जांच हो जाने दीजिए, जांच कीजिए ईमानदारी के साथ और फिर फैक्ट्स को सामने रखिए। और इस बीच ये जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं एसपी का तबादला पुरुलिया में, और पुरुलिया देखिए वो जगह है जहां पर बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच बहुत ही कांटे की टक्कर इस बार पंचायत चुनाव में देखने को मिली थी। और ये सीआईडी को हालांकि जांच सौंपी गई है, लेकिन उससे पहले ही एसपी ये बात कह देते हैं कि ये तो आत्महत्या का मामला है। अबे दुबे, मुझे बताइए आप, एसपी पहले से ही एक कंक्लूजन कैसे निकाल लेते हैं कि ये आत्महत्या का मामला है? पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आने दीजिए भाई, तब बोलिए जो बोलना है। नहीं मीमांसा जी, बिल्कुल सही बात है। देखिए कांग्रेस पार्टी किसी भी सूरत में, कोई भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, उसकी हत्या का किसी तरह समर्थन नहीं होना चाहिए। और ये राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है। और ये मैं तो कल ये सुन भी रहा था कि टीएमसी के वर्कर कोई कह रहा था कि पुलिस हमारी नहीं सुनती। अरे नहीं सुनती तो सरकार आपकी है भाई, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करना पड़ेगा, उससे आप कतई नहीं भाग सकते। लेकिन देश को ये भी समझना पड़ेगा कि ये राजनीतिक हिंसा आखिर क्यों बढ़ रही उन राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक उन्माद का जहर फैला रही है। आज राजीव रंजन स्वीकार करे न करे, मंत्रालय की रिपोर्ट बताती है कि वर्ष बिहार में सांप्रदायिक पॉइंट सामने लाना होता है। वर्ष बंगाल में ठीक है, मुझे भी ये डिस्कशन वाइंड अप करना होगा, और मैं चाह रही हूँ कि उससे पहले मैं सब एक एक कमेंट सभी से ले लूं। अबे दुबे 2 सेकंड, मैं सभी से चाह रही हूँ। प्रेम शुक्ला जी, अब मैं चाह रही हूँ क्लोजिंग कमेंट आप दे दें। जो राजनीतिक हिंसा का पूरा दौर हम देख रहे हैं, ये कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या होगा आगे? देखिए ममता की निर्ममता को जिस तरह से अभय दुबे जी, बसपा के लोग, राजद के लोग जिस तरह से उसका समर्थन कर रहे हैं, ये सिद्ध करता है कि रोम पुत्र की सत्ता लोलुपता के लिए हिंसक लोकतंत्र को आप प्रश्रय देने का अपराध कर रहे हैं। ये अत्यंत घातक है कि
किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य में किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता की प्रतिशोधवश हत्या का एक भी उदाहरण नहीं है। फिर भी अभय दुबे जी लगातार असत्य वाचन करके ममता के अपराधों पर बुरका डालने का अपराध कर रहे हैं। ठीक है, एक एक कमेंट में जल्दी जल्दी जा रही हूँ। मृत्युंजय तिवारी, प्रेम शुक्ला जी, ये बताइए, एसपी के कार्य बीएसपी के कार्यकर्ते की मृत्युंजय तिवारी, अभय दुबे, देखिए टाइम खत्म हो चुका है। मैं एक एक क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ सभी से। वहां से कोई हत्या नहीं हुई है पूरे देश में। मृत्युंजय तिवारी, ये कांग्रेस की संस्कृति और कम्युनिस्ट संस्कृति, तृणमूल कांग्रेस की संस्कृति है। एक एक क्लोजिंग कमेंट में सबसे चाह रही हूँ कि ये जो सिलेक्टिविज्म है ना, ये प्लीज प्लीज इसको छोड़ दीजिए। आप ये जो आप एक चश्मे से देखते हैं ना चीजों को और दूसरी आंख बंद कर लेते हैं, ये प्लीज बंद कर दीजिए। एक एक क्लोजिंग कमेंट में चाह रही हूं। मृत्युंजय तिवारी जी, जल्दी से जरा 30-30 सेकंड फटाफट सबसे। पूरा दोनों दो, दो, पूरा अच्छी तरह से दोनों आंखों से हम देख रहे हैं और हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को ये नफरत की राजनीति, उन्माद की राजनीति महंगी पड़ेगी। ममता की निर्ममता पर बोलने की जो तलवार बांट करके, तलवार बांटने का काम करती है, पर राजनीति करना चाहती है, हम उन्माद फैला करके और वोटों का। ठीक है, ठीक है, आपने भी बात रखी। राजीव रंजन, जल्दी से 20-20 सेकंड। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस के पास साहस नहीं है कि वो ममता बनर्जी के आतंक के खिलाफ कुछ बोल सके। उनके कार्यकर्ताओं की भी हत्या हुई है। अरे बिहार, जिस तरीके से वो लाल आतंक के खिलाफ राजनीति में आई थी और लाल आतंक के खिलाफ लड़ते लड़ते उन्होंने लाल आतंक के दौर को भी पीछे छोड़ दिया। जिस तरह की हत्याएं और जिस तरह से राजनीतिक गलियों से कांग्रेस भूल गई होगी 1993 में क्या हुआ था, जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस कार्यकर्ता, उन पर गोलियां चलाई गई थी। आमिर हैदरजादी साहब, आपका क्लोजिंग कॉमेंट। देखिए, मैं जब ये कह रहा हूँ कि आरएसएस से दीक्षा लेके आई है ममता बनर्जी और उनकी चाल चरित्र एक ही आरएसएस का, जिस तरह से ममता बनर्जी की पुलिस बगैर इन्वेस्टिगेशन किए किसी की हत्या को ये कह देती है कि वो आत्महत्या है, उसी तरह से आरएसएस भी उसी तरह से कहती है कि बगैर इन्वेस्टिगेशन के, बगैर सबूतों के आरएसएस कह देती है कि उनकी हत्या। 20 सेकंड बस, मुझे वाइंड अप करना है। दोनों का डीएनए एक है। जिस तरह से नीतीश कुमार आज दलितों के घर बिहार में जलवा रहे हैं, बंगाल का डीएनए, नीतीश कुमार का, ममता का डीएनए और आरएसएस का डीएनए सेम है। नहीं नहीं, प्रेम शुक्ला जी जो बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं सभी पार्टियों पे गलत लगा रहे हैं। अभी भी एक सीबीआई ने केस इन्वेस्टिगेशन किया था, जो बीजेपी का ही विधायक है सेंगर, जिसने एक लड़की का बलात्कार किया और वो साबित भी हो गया है। आज तक वो भी बीजेपी में शामिल है। मैं लेके नहीं जा रहा हूँ मैडम, मैं आईना दिखा रहा हूँ इनको। अभी तो वहाँ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं हुई है बंगाल में, और अभी से ये मांग करना शुरू कर दिया उन्होंने ममता बनर्जी के खिलाफ। योगी जी के खिलाफ क्यों सभी राजनीतिक दलों के लिए है? ये सारे राजनीतिक दलों के लिए आज आईना है जो पश्चिम बंगाल में हो रहा है। नहीं, इनकी पार्टी में मौजूद है। सीधी सीधी सी बात ये है कि लोकतंत्र में राजनीतिक हिंसा के लिए जगह नहीं है, और जब वाकई लोकतंत्र खतरे में आ जाए तो राजनीतिक दलों को राजनीति से ऊपर उठकर बोलना चाहिए कि हाँ ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि सिलेक्टिविज्म दिखाई देती है। ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है, इसको त्याग देना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को, क्योंकि लोकतंत्र और राज्य की सेहत बनाए रखने के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए।